क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जब आपकी गुड लक हो। क्या है एनसीआर प्लस, और इसके ये एमसीक्यूज भी आ जाता है बाद बाद, एनसीआर माइनस वन, तो ये किस तरह होता है बेटा, ये होता है एन प्लस वन और सी आर। अगर देखें ऊपर वाले दोनों सेम हो तो एक लेस हो और ग्रेटर हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले में एक ऐड कर देते हैं और नीचे वाला जो ग्रेटर होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर, ठीक है बेटा। अब ऑब्वियसली हमने क्या सिलेक्ट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू एन सी आर है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, बहुत ही पुराने कंसेप्ट यूज करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल, और क्या आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, ऊपर एन फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल बेटा, और फिर क्या आ जाएगा एन माइनस आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन, ऐसे है कि नहीं है बेटा। अब उसके बाद हम क्या करते थे कि भाई इस तरह से काम में लेने के फैक्टोरियल से राबता कैंसिल हो जाए, हाँ फैक्टोरियल अंदर में ना हो ब्रैकेट के अंदर, ऊपर में तो एन फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, नीचे आप कैसे करेंगे बेटा, किसको एक्सपेंड करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, एन फैक्टोरियल एज इट इज ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर को करूं या आर माइनस वन को करूं बेटा एक्सपेंड, आर को करना पड़ेगा क्योंकि, और एन माइनस आर को करूं या एन माइनस आर प्लस वन को करूं, एन माइनस आर प्लस वन को, हाँ तो इसलिए जिसको करना नहीं है उसको हम उसी के कलर में रहने, प्लस एन फैक्टोरियल एज इट इज और आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज बेटा, फिर क्या आ जाएगा जिसको एक्सपेंड करना है उसको लिखेंगे एन माइनस आर प्लस वन इंटू क्या आ जाएगा बेटा एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे ही है ना बेटा। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, हाँ बच्चे एन फैक्टोरियल ऊपर कॉमन आ, नीचे क्या आ रहा है बेटा एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है और एन माइनस आर फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, ऐसा है क्या नहीं है बेटा, तो क्या बच जाएगा बेटा ऊपर वन वन बाय आर और प्लस वन ओवर क्या एन बच माइनस जाएगा आर प्लस एन माइनस आर प्लस, ऊपर एन फैक्टोरियल एज इट इज आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज बेटा, और क्या आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, हाँ बच्चे, और उसके बाद क्या आ जाएगा आर ब्रैकेट एन माइनस आर प्लस वन, ऐसे ही है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर, कोई मसला बेटा, ये दोनों कैंसिल। अब एक स्टेप शॉर्ट करने लगा हूं, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा अंदर बेटा एन प्लस एन, वन, तो मैंने कहा था जब मल्टीप्लाई करेंगे उसको हमेशा क्या लिखा करेंगे फैक्टोरियल के स्टार्ट में, तो इसलिए स्टार्ट में, और आर फैक्टोरियल को लिखना है तो उसको भी फैक्टोरियल के स्टार्ट में लिख देंगे, और इसी तरह एन माइनस माइनस आर प्लस वन है उसको पहले लिखना है और फैक्टोरियल को हमेशा एंड में, एंड में, ठीक है, ऊपर वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा एन प्लस वन से, तो वो क्या हो जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल, नीचे वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा आर से, तो आर फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है, ठीक है बेटा। अब आपकी स्टेटमेंट में मैं अरेंजमेंट करने लगा हूं एन प्लस वन फैक्टोरियल एज इट इज बेटा,
आर फैक्टोरियल एज इट इज। अब आपको पता है फार्मूले के मुताबिक आर को हम लास्ट में लिखते हैं और जो उससे पहले है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। कैसे? यानी हम ये लिख सकते हैं एन प्लस वन, ठीक है, और माइनस आर ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल, ऐसे ही है ना। पहले एन लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं ना। अब आप देखें कॉम्बिनेशन के मुताबिक एन की वैल्यू क्या बन रही है बेटा और आर की क्या बन रही है? आर की तो आर बन रही है, इसपे तो आप कोई डाउट नहीं, और ऊपर एन की प्लस विच इज इक्वल टू राइट राइट हैंड, कोई प्रॉब्लम? बहुत ही